या हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस। आइए देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। शो दैट एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय टू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। सो लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं इसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एन को यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको आप पूरा लिखिएगा, डोंट यूज शॉर्टकट। एन को ले रहे हैं 2q+r और बी को यहाँ लेट कर रहे हैं 2। सो जो आपका आर है वो लेस देन 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। यानी आपका आर क्या क्या हो सकता है, आपका आर हो सकता है 0 और 1। तो एन की वैल्यू 2q हो गई यदि r को हम 0 पुट करते हैं और 1 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू हो गई 2q+1। गॉट इट। पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों, एन स्क्वायर माइनस एन। बच्चे बहुत घबराते हैं क्वेश्चन से, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर यदि n होगा वो डिविजिबल बाय 2 प्रूफ करना है हमें, यदि वो एन स्क्वायर माइनस एन की फॉर्म में है। जैसे आप n को पुट कर लीजिए 5, तो आपने एन स्क्वायर माइनस एन चेक करना है। तो 5 का स्क्वायर -5, देखिए ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है। गॉट इट। आप एन को 3 पुट कर लीजिए, 3 का स्क्वायर -3, 9 -3 6 आया, देखिए ये भी डिविजिबल बाय 2 है। सो आपको ये तो हो गया न्यूमेरिकल पार्ट, ऐसे नहीं करके दिखाना, आपको प्रॉपर एक अलजेब्रा के तरीके से इसको प्रूफ करना है। तो हमने n को पुट करा 2q+r, जो r लेस देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बिकॉज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, और r 0 और 1 होगा तो n 2q एंड 2q+1। तो इसमें पहला केस ले लेते हैं हम, केस 1 बिल्कुल समझिएगा, वेयर n इज इक्वल टू 2q। सो हम कर रहे हैं n स्क्वायर माइनस n, दैट इज 2q² - 2q। तो आपका आया 4q² - 2q, और इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2q² - q, और वैसे तो q भी कॉमन निकल रहा है, तो दैट इज 2q (2q+1). इसका अंदर ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। गॉट इट। इसी में हम दूसरा केस क्या आया है हमारे पास, दूसरा केस हमारा ये रहा 2q+1। तो हम केस नंबर 2 ले लेते हैं। तो जब आपका n है 2q+1, तो दैट इज n स्क्वायर माइनस n, दैट इज 2q+1 का होल स्क्वायर माइनस 2q+1। आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, 4q² + 1 प्लस 4q - 2q - 1। तो आपका ये हो गया 4q² + 2q, और आप इसमें से फिर आप 2q कॉमन निकालते हैं, पहले 2 भी कॉमन निकाल के दे सकते हैं, 2q² + q। यानी आपका ये आ रहा है 2q (2q+1). आप देख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 आ गया ना यहाँ पर, सो हैंस प्रूव्ड। सो आपको इन क्वेश्चंस को अलजेब्रा की तरह प्रूफ करके दिखाना है। एग्जाम्पल से यदि आप प्रूफ करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पल्स जस्ट समझने के लिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2। दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो कीप वॉचिंग अवर चैनल AVTE।